आज हमें करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि पीआई, इसको निकालने का टाइप वन हमने कल देखा था टाइप वन क्या होता है, और इस टाइप वन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले मैं फिंगर टिप्स पे आपको कुछ बातें याद दिला दूं कल के। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो के टाइप वन जो था वो हमारे पास ई टू द पावर ए एक्स का था, और इस ई टू द पावर ए एक्स का पी आई जो निकलेगा वो होगा ई टू द पावर ए एक्स ओवर एफ डी, यानी कि जो भी आपका जो है वो डी का फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, एफ डी का फंक्शन है वो आप अपॉन में पुट कर देंगे इस तरह से, तो पी आई निकलता है। अब रहती है बात इसे सॉल्व करने की, तो सॉल्व करने के लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि एफ डी डी में ए पुट कर दो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आज, कल हमने इस चीज़ को डिटेल में पढ़ा था। पहली कंडीशन है कि डी में ए पुट कर दो, लेकिन एफ डी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब तो आप क्या करोगे, एफ डी मतलब एफ ए सॉरी डी को ए पुट करके अगर एफ ए ज़ीरो नहीं होता है तो आपका आंसर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ ए, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया सपोज करिए एफ ए ज़ीरो हो रहा है, तो एफ ए ज़ीरो होने पे फिर आपके दो केस होते थे, वो दो केस मैं तब डिसाइड डिस्कस करूंगा जब मैं उस तरह के क्वेश्चन में पहुंचूंगा, तो वो केस मैं तब डिस्कस करूंगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सिंपल तरीका जो है ये वाला तरीका जिसमें सबसे आसान क्वेश्चन माना जाएगा, कोई इसमें मतलब ट्रिक वाली बात नहीं रहेगी। तो ये वाला क्वेश्चन पहले हम करके देखते हैं। क्वेश्चन है, हल कीजिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर फोर एक्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले तो देख लोगे डी टू वाई डी एक्स टू, इसका मतलब चैप्टर नंबर फाइव का क्वेश्चन है, और ई टू द पावर फोर एक्स इधर लिखा है, इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलेगा, और वो क्या तरीका होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, टाइप वन होगा जिसमें कि ई टू द पावर ए एक्स का केस चलता है। तो इसलिए पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, और सॉल्यूशन के तरीके भी कोई ऐसे खास वो नहीं है, बस है कि पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको रटना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स थर्ड ईयर की थर्ड सेमेस्टर की बिल्कुल पूरी ऐसी है जिसमें हर चैप्टर में ऐसे नए नए फॉर्मूले आएंगे कि आप सोचोगे मतलब कितना याद करें हम, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए अब इसमें, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो हम इसे अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये डी स्क्वायर वाई माइनस फाइव डी वाई प्लस सिक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर फोर एक्स, या फिर डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स, मैंने ऑपरेटर अलग किया और ऑपरेंड वाई अलग किया, इज इक्वल टू ई टू द पावर फोर एक्स, यानी कि एफ डी इज इक्वल टू एफ डी इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर फोर एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर जो है वो कह लीजिए या तो फर्स्ट या सेकेंड इसे कह लीजिए एक्चुअली, बट इसकी ये चीज़ यहाँ पुट होती ना सबसे पहले, चाहो तो आप डायरेक्ट ये पुट कर दो यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ना बनाइए सेकंड तब भी आपको कोई कहने वाला नहीं है कुछ। अब देखिए चूंकि ये पहला क्वेश्चन है हमारा आगे बढ़ने पे, इसलिए हम एक बार सी एफ निकाल के दिखाई दे रहे हैं ताकि पूरा क्वेश्चन कैसे करा जाता है पेपर में आएगा तो वो पता लग जाए आपको, मतलब कहीं ऐसा ना हो पेपर में भी आप केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकाल के चले आओ। आपको हमेशा ध्यान रखना है कंप्लीट सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो पहले हमारा काम वही पुराना वाला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, तो हम सबसे पहले कहेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, सहायक समीकरण कहते हैं हिंदी में, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम पूरी एक्सरसाइज के वीडियो भी दे चुके हैं आपको पिछली वाली, और क्या बोलते हैं तो कई बार ये यहाँ पे कुछ सॉल्व भी करवा चुके हैं क्वेश्चंस। तो अब इसमें सिक्स का थ्री टू या सिक्स हो जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, टू एम छूट गया, m कॉमन हो जाएगा m माइनस थ्री और माइनस टू कॉमन, तो m माइनस थ्री, एम माइनस थ्री टोटल कॉमन हो गया, तो ये बचा m माइनस टू, यहाँ से m इज इक्वल टू आ गया थ्री कॉमा टू। आपके रूट्स जो हैं वो रियल हैं और डिफरेंट हैं, सिंपल सा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल आएगा। तो अब y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि y इक्वल टू यहाँ पे सी एफ प्लस पी आई और पी आई निकलेगा। तो एक्सरसाइज वन के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, सीधे y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इस तरह से कर देते थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही निकाले हैं रूट्स। तो इसलिए अब हम लिखने का तरीका देखिए, है ना, जो वीडियोस मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चंस के उसमें लिखने का तरीका भी समझाता रहता हूँ मैं कि किस तरह से आप अपने नोट्स बनाएं, नोट्स में लैंग्वेज किस तरह की लिखें कि जब आप दोबारा रिवाइज करें तो बिल्कुल आपको क्लियर होता चला जाए और एग्ज़ाम में भी आपका सोल्यूशन जो है इंप्रेसिव बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा कि नकल मार के किसी दूसरे बच्चे से नकल मार के थोड़ा बहुत लिख दिया वह खत्म हो गया क्वेश्चन। तो हेंस सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सी वन ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर टू एक्स,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये कहानी सीएफ की थी जो कि पहले की तरह चली, फर्स्ट क्या बल्कि फर्स्ट सेकंड तो मान चुके हैं ना, इसे थर्ड मानी, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी जब हम सीएफ प्लस पीआई करेंगे तो सीएफ की वैल्यू ये पुट होगी जाके। हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, अगर स्टेप मार्किंग होती है तो उस केस में आधे नंबर मिलने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। अच्छा अब नाउ कर देते हैं, अब दूसरा हिस्सा निकालने जा रहे हैं, पीआई कैसे निकलेगा। तो ई टू द पार ए एक्स ओवर एफ डी, या ई टू द पार थ्री एक्स है या नहीं फोर एक्स है, ई टू द पार फोर एक्स अपॉन एफ डी, ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो ई टू द पार फोर एक्स अपॉन एफ डी, एफ डी का मतलब मैंने तो मिटा दिया ना, लेकिन यहीं से ध्यान से लिख दे रहा हूँ मैं, डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स, ये आपका पी आई। अभी सॉल्व करने से रह गया है, आपको यहाँ से डी हटाना है, क्या तरीका होगा तो देखते हैं इसमें। तो तरीका देखिए, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, d इक्वल टू ए पुट के पुट करके अगर ये जीरो ना आए तो फिर e टू द पार फोर, जो भी फोर एक्स अपॉन वैल्यू रख दो उसकी, वही पी आई हो जाएगा। तो ज़रा चेक कर लीजिए, क्या इसमें फोर रख के जीरो आ रहा है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फाइव फोर जो ट्वेंटी प्लस सिक्स ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी, यानी कि जीरो नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको खुद ही टेस्ट करना है, दिखाना नहीं है कुछ। तो हम क्या करेंगे, सीधे फोर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पार फोर एक्स अपॉन फोर का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू फोर प्लस सिक्स, यानी कि e टू द पार फोर एक्स अपॉन सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी प्लस सिक्स, सिक्स ट्वेंटी, तो ये आ जाएगा e टू द पार फोर एक्स अपॉन टू, ये क्वेश्चन नंबर फोर हो गई। ध्यान से देखिए, कंप्लीट करिए और कोई दिक्कत हो तो बताइए। पी आई ये रहा, सी एफ ये रहा, तो हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इतना डिटेल में लैंग्वेज लिख दीजिए कि अगर किसी ने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो वो यहाँ से देख के आपको थ्योरी समझ जाए कि हाँ भाई क्या बच्चा करना चाह रहा है। तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम थर्ड एंड फोर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा सी वन ई टू द पार थ्री एक्स प्लस सी टू ई टू द पार टू एक्स प्लस ई टू द पार फोर एक्स अपॉन टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, इफ एक्सरसाइज 5.1 में जितना था उससे काम एक बढ़ गया है हमारे पास, क्वेश्चन थोड़ा लंबा चलेगा। अभी यहाँ पर तो सिंपल इसलिए हो गया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ फैक्टर एक्टर हमारे वो थे सिंपल। अभी अगर शेषफल प्रमेय लगानी पड़ जाती तो यही क्वेश्चन और लंबा हो जाता। अभी अगर e टू द पार एक्स में ये नॉन जीरो आने, मतलब जीरो आने लगता तो फिर और लंबा हो जाता। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें ये कंडीशन न लगते, ये वाली कंडीशन लग रही होगी, और फिर उसके बाद उसको दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे। इसके जो दो तरीके बताए थे ना मैंने, कल बात हो रही थी कि हमें ये पसंद आ रहा है, हमें वो पसंद आ रहा है, तो दोनों तरीके हम करके बताएंगे, फिर आपकी मर्जी है, आप कोई भी तरीका अडॉप्ट करिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हल करें, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई टू द पार टू एक्स। तो इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है, पहले आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे गिवन इक्वेशन, तो डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई, सीधे एक साथ मैंने कर दिया, वाई ऑपरेंड अलग कर लिया, इज इक्वल टू ई टू द पार टू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही आपका इस तरह से एफ डी लिख दीजिए, चाहे दोबारा सेकंड बनाने की जरूरत नहीं है सेकंड इक्वेशन। इलेबोरेटेड मेथड आपको एग्जाम में करना है क्योंकि डिटेल में, ताकि वो वहाँ पे एक बार में ही इंप्रेशन पड़ना है आपका। यहाँ अब आप प्रैक्टिस के लिए अपना थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आप खुद निकाल लेना, और रूट्स जो आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ, रूट्स इसके आ रहे हैं 2.1, ठीक है ना। तो इसलिए हैंस सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा सी वन ई टू द पार टू एक्स प्लस सी टू ई टू द पार एक्स, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई। ये आप वैसे कर लेना, जगह छोड़ दें इसके लिए, और फाइनली ये आंसर नोट कर लें, हमारा फोकस सी एफ निकालने पे नहीं है, हमारा फोकस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने पे है। तो इसलिए ये चीज़ें अब हम पहले क्वेश्चन में हमने डिटेल में करा दी, अब ये क्वेश्चन ये चीज़ें आप खुद ही करा करिएगा आगे, पूरी जितनी एक्सरसाइजेस हैं जितने कंसेप्ट हैं, आप पी आई के चलेंगे तो हम पी आई पे फोकस करा करेंगे, सी एफ के लिए हम रूट्स बता दिया करेंगे और सी एफ लिख दिया करेंगे, बस खत्म। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व होनी है, शेषफल प्रमेय लगना है, धराचार्य लगना है, या फिर उसके वो एडजस्टमेंट्स होने हैं, ई की पावर एक्स, अरे सॉरी ई टू द पावर एक्स, तो इसे मैं अब मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम सीधे पी आई देखेंगे, सारा फोकस हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने पे है। पहला मेथड का तरीका ये था, दूसरा मेथड अब इसमें देखिए काम आएगा। नाउ अब यहाँ पे आ जाइए, साफ सुथरा लिखिए, पी आई इज इक्वल टू ई टू द पार, कितना दिया है इसमें, ई टू द पार टू एक्स दिया है, ई टू द पार टू एक्स अपॉन एफ डी, चाहे तो एफ डी पहले लिख लीजिए एक लाइन में, और फिर उसके बाद ई टू द पार टू एक्स अपॉन एफ डी का मतलब कितना है, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम ई टू द पार, ये एफ डी है ना, इसमें ए ये यानी कि टू पुट करने जा रहे हैं, तो पहले हमने चेक कर लिया डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू में अगर हम टू पुट करते हैं डी की जगह, तो टू का स्क्वायर फोर माइनस टू थ्री जा सिक्स प्लस टू, ये आपका फोर टू सिक्स माइनस सिक्स यानी कि जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है, तो हम यहाँ पे पहला मेथड में बताता हूँ आपको, केवल उस पर ध्यान दीजिए,
पहले मेथड में क्या है, फैक्टर करें, और फैक्टर करने के बाद जो प्रॉब्लम कर रहा था, जैसे d इक्वल टू 2 रखने पे एक फैक्टर प्रॉब्लम करेगा, एक नहीं करेगा, तो जो प्रॉब्लम करे उसमें तो आप d की जगह d प्लस a रख देंगे, और दूसरे वाले फैक्टर में फैक्टर करके दो चीज़ें मिलेंगी, दूसरे वाले में क्या करेंगे, d की जगह a ही रख देंगे बस। ये हमारा पहला मेथड है, चाहे तो आप अपनी कॉपी को पलटिए और कल जो हमने फर्स्ट मेथड लिखा था उसको देख लीजिए। शिवम अग्रहरी, इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए केस चला रहे हैं ना, पहले चेक कर रहे हैं हम कि इसमें जीरो रख के काम चलना है कि नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चन में जीरो रख के वो नॉन जीरो आया तो हमने उसको अप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे नहीं, अब हम रुक जाएंगे। यही चीज़ समझाने के लिए मैंने कहा था कि जब तक मैं क्वेश्चन खुद ना करा दूँ एक दो, तब तक आप एक्सरसाइज मत टच करिएगा। तो देखिए इसमें अब क्या होगा, हम फैक्टर करेंगे, पहला मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड लिख दीजिए चाहे तो, ये भी लिख देते हैं इलेबोरेट करने के लिए। हेयर एफ ए इक्वल टू ज़ीरो, ये हो रहा है हमारा। अब फर्स्ट मेथड आ जाएगा तो इसमें पी आई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, जहाँ पर छोड़ा था वहीं से फिर से स्टार्ट किया हमने, इसके फैक्टर कर देंगे। देखिए फैक्टर करने को बोल रहा है तो इसके आप फैक्टर कर दो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर 2 1, तो माइनस 2d माइनस d प्लस 2 ई टू द पावर 2x अपॉन डी कॉमन डी माइनस 2 माइनस 1 कॉमन डी माइनस 2 ई टू द पावर 2x अपॉन डी माइनस 2 टोटल कॉमन, और बचा डी माइनस 1 ई टू द पावर 2x अपॉन। अब देखिए फैक्टर जो a की वैल्यू है ऊपर कितनी है, 2 रखने पे कौन दिक्कत कर रहा है, 2 ये 2 रखने पे 2 माइनस 2 ये 0 होगा ना, दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे तो 2 माइनस 1 सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, इस वाले फैक्टर में तो d की जगह क्या रखोगे, d प्लस 2, वो बताया d प्लस a रखते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इस वाले पहले फैक्टर में तो आप d की जगह d प्लस 2 रखेंगे और माइनस 2 हो जाएगा, ये आपने रखी है वैल्यू, और दूसरे फैक्टर में d की वैल्यू फिर क्या करोगे आप, 2 ही रख दोगे, 2 माइनस 1। ध्यान दीजिए e टू द पावर 2x और 1 अपॉन, ये अप्लाई हो चुका है, ये अलग हो गया अब इससे, और 1 अपॉन d बचा आपका केवल, और इसके बाद क्या होगा, e टू द पावर 2x और इंटीग्रल 1dx आएगा आपका, और e टू द पावर 2x इंटू x होगा, यानी कि x e टू द पावर 2x होगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बोलो या थर्ड बोलो जो भी है वो आएगी जा करके। ध्यान से समझ लीजिए, इसीलिए मैंने उस तरह से करके लिखा, e टू द पावर 2x अपॉन d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 था मेरे पास, मैंने फैक्टर करके जैसे ही d यहाँ पे d की जगह a पुट किया, इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया, ये आपका किनारे चला आएगा, बचा अब क्या हुआ, 1 अपॉन डी, ये रह गया जो डी रह गया, ये डी अब 1 को इंटीग्रेट करेगा, मतलब ऊपर 1 मान के फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 डी एक्स को, तो ये एक्स ई टू द पावर 2x आएगा। इसलिए ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जैसे ई टू द पावर 2x का काम ख़त्म हुआ वो सेपरेट हो जाएगा, बार बार वो फिर नहीं चलाएगा इसके साथ, फिर 1 अपॉन डी का इंटीग्रेशन इंटीग्रल 1 डी एक्स, और ये आपका एक्स आ जाएगा। 1 अपॉन डी को थोड़ा और बताइए, डी का मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स होता है, 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन डी जो आया है ये अब ई टू द पावर 2x का काम हो चुका है, ऑपरेट हो चुका है ये, तो ये सेपरेट हो गया, 1 अपॉन डी अलग रहा। अब 1 अपॉन डी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx, भाई कोई फंक्शन अगर यहाँ पे अगर और होता जैसे तो वो ही आता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो जो ई टू द पावर 2x है वो तो ऑपरेट होकर काम हो चुका उसका, तो वो निकल गया, अब इंटीग्रल 1 dx बचा, 1 dx का इंटीग्रल x हुआ, और वो x फिर हमने शुरुआत में लिख दिया। नहीं कॉन्स्टेंट ऐड नहीं करेंगे, कॉन्स्टेंट आपके सी एफ में ऐड है, कांस्टेंट जो है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एडेड हैं। तो अब इसका लास्ट में हम सॉल्यूशन लिख देंगे। अच्छा अभी पहले आप सेकंड मेथड भी निकाल लो, जहां से पीआई छोड़ा था ना हमने, वहां से आप सेकंड मेथड भी निकाल लो, फर्स्ट मेथड चलाया था फिर अब सेकंड मेथड चला देते हैं। सेकंड मेथड में देखिए क्या है कि अगर आपका एफ ए जीरो हो रहा है, इसका एक मेथड तो हो चुका कर लिया, दूसरे मेथड पे आइए, अगर आपका एफ ए जीरो हो रहा है तो उस केस में क्या करोगे, एफ डैश ए अगर नॉन जीरो है उस केस में, मतलब उसका डिफरेंशिएशन जो है वो नॉन जीरो है, तो आपका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर ax जो भी है, मतलब वो उस तरह से हो जाएगा। अगर f डैश a भी जीरो निकल आता है आपका, तो आप फिर चेक करोगे इफ f डैश a इक्वल टू जीरो, तो f डबल डैश a इक्वल टू अगर नॉट जीरो है तो उस केस में सॉल्यूशन x इंटू करके ये x स्क्वायर इंटू करके आ जाएगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, फर्स्ट मेथड को सॉल्व करके ही सेकंड मेथड बना है। अभी आपने देखा था ई एक्स मल्टीप्लाई में आ रहा था, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, पहले ई एक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई पहले जो मेथड से किया हमने, लास्ट में एक्स मल्टीप्लाई में आया ना, तो सेकंड मेथड में क्या करते हैं वो शुरुआत में ही एक्स इनटू कर देते हैं। तो कहने का मतलब एक तरह से फर्स्ट मेथड में जो कैलकुलेशन है उसको शॉर्ट करके फाइनल आंसर पुट करके और सेकंड मेथड बना दिया गया है, तो इसलिए कोई अलग नहीं है वो।
वो कनेक्टिविटी है दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, वी हैव एफ डी इक्वल टू कितना है हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, ये एफ डी है। तो एफ डैश डी निकालिए जरा। तो एफ डैश डी जब हमने निकाला तो ये हो गया टू डी माइनस थ्री, बस इतना बचा। ई टू द पावर कितनी थी, टू एक्स थी। तो पुट डी इक्वल टू ए, डी इक्वल टू ए मतलब टू। तो देखते हैं क्या जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एफ डैश टू आप देखेंगे तो यहाँ पे टू इंटू टू माइनस थ्री यानी कि फोर माइनस थ्री यानी कि वन, यानी कि नॉन जीरो आ रहा है। ये चेक कर रहे हैं हम, एफ डी हमारा इतना है, एफ डैश डी इतना निकला, उसमें डी इक्वल टू टू पुट करके देखा तो नॉन जीरो आ रहा है, यानी कि हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिख देंगे हैंस पी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वन अपॉन एफ डैश ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। इसमें वैल्यूज रख दीजिए, एक्स एफ डैश कितना आया, एफ डैश टू आपका वन आया ना, तो अपॉन वन ई टू द पावर टू एक्स, यानी कि x e टू द पावर 2x। ये इक्वेशन नंबर थर्ड बनी, जो आपकी थर्ड वहाँ बनी थी फर्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड से वो इस तरह से बनी जा करके। तो ये एक तरह से आपका सॉल्यूशन ही है, जो पहले मेथड का सॉल्यूशन आया था वही सॉल्यूशन जो है वो आपका चल गया और उसी में वैल्यू रख दिए जा करके। तो ये पहले मेथड का शॉर्टकट कह सकते हो आप एक तरह से। तो आपको जो मेथड बेस्ट लगे आप वो कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये अच्छा लग रहा, अगर मान लिया सपोज़ ये जीरो आ रहा होता तो हम एफ डबल डैश ए पे चलते, दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते, लेकिन उस केस में फिर आपका एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एफ डैश ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ये आता। तो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपका सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड दो बार बनाइए, दो बार लिख दी है क्योंकि वही सेम चीज़ आ रही है ना, इसलिए उसको एक ही चीज़ एक ही इक्वेशन से शो कर दिया है। अब सी एफ कितना आया था मैं जो देखना पड़ेगा जरा, सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर टू एक्स ही आया था, और पी आई आपका एक्स ई टू द पावर ये आ गया। बस ये हमारा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से आपका ये टाइप नंबर वन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। चलिए तो फिर आप अब जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने में अभी आपको साइन एक्स और वगैरह के कॉस एक्स वगैरह इनके अभी पी आई और देखने पड़ेंगे, टाइप वन और टाइप टू मिला करके तब एक्सरसाइज बनी है। तो बहरहाल आप एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं जिनमें राइट साइड में ई टू द पावर समथिंग लगा हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर वन हुआ, टू हुआ, थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, नाइन, टेन, टेन तक क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में 16 क्वेश्चन है ना, आप 10 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो इसको इनको ट्राई करिए, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।